फोर्थ सेंचुरी का ये पगोड़ा है, इट्स वेरी ओल्ड। हमें समझाया कि पगोड़ा वो जगह होती है जहाँ पे बुद्ध। सो ये था हमारा बोधि ट्री। आ गए हम लोग एक और पगोड़ा में, ट्रैन कॉक 22 पगोड़ा। इस जगह में यहाँ पे बोधि ट्री है, इस पर्टिकुलर लोकेशन में। बंद है क्या? गर्मी बहुत है, धूप बहुत है। Look at the lotus. Fourth century का ये पगोड़ा है, it's very old. I'm getting out of here. Give me again. You have to keep quiet. So, ये एक पगोड़ा है, इसका नाम है ट्रांग क्वॉक पगोड़ा। ये हनोई सिटी का सबसे पुराना पगोड़ा है। जैसा कि मैंने पहले व्लॉग्स में बताया था, गाइड ने हमें समझाया कि पगोड़ा वो जगह होती है जहाँ पे बुद्ध का टेंपल होता है। बुद्ध यहाँ पर बहुत ज़्यादा बुद्धिज्म फॉलो किया जाता है और इसी वजह से काफ़ी सारे बुद्धिस्ट मॉन्क इस पगोड़े में रहते थे, क्योंकि उनकी फैमिलीज तो होती नहीं थी, क्योंकि वो ब्रह्मचारी होते थे, तो वो लोग काफ़ी टाइम तक यहीं रहे। और इसी वजह से यहाँ पर काफ़ी सारे मॉन्क्स के एशेज भी पाए जाते हैं, तो बुद्धिस्ट जो मॉन्क्स दूर दूर से आते हैं उन लोगों के लिए बहुत पॉपुलर प्लेस है। एक छोटे से आइलैंड पे बनाया है, इसीलिए इसकी ब्यूटी और भी ज़्यादा पता चलती है। ये है सामने बोधि ट्री, जो कि श्री राजेंद्र प्रसाद शर्मा ने यहाँ गिफ्ट किया था। बहुत अच्छी सी यहाँ एक खुशबू आ रही है और बहुत प्यारा सा एटमोसफेयर है, क्योंकि ये पूरी जगह एक आइलैंड पे बनाई गई है। ये अच्छा, इसी का स्मेल है जो मुझे इतनी देर से आ रहा है। ये छोटे वाले नींबू जिनको काला मानसी बोलते हैं, और ये छोटे छोटे ऑरेंजेस। आई थिंक टू प्लांट्स मिक्स्ड अप होंगे, या फिर एक में दो टाइप के फ्रूट्स तो नहीं होंगे। इट्स ब्यूटीफुल। ये अगरबत्ती बहुत सुंदर है, पता नहीं कितनी देर तक जलती होगी, स्पाइरल अगरबत्ती। छोटे छोटे संतरे नीचे भी गिर गए हैं। ये सच में संतरे और नींबू दोनों का पेड़ है, एक ही पेड़ है उसमें संतरे भी। आई थिंक ये कलामांसी पक करके संतरा बन जाता है। मैं क्या बोल रही हूँ, दो फ्रूट्स नहीं है, ये ग्रीन वाला कलामांसी पक करके ऑरेंज बन जाता है। वाओ, तो क्या फिलीपींस में कलामांसी जल्दी तोड़ देते हैं? सो ये था हमारा बोधि ट्री, जो इंडिया से एक छोटा बच्चा बन के आया था और यहाँ पर इतने बड़ा हो गया 60 ईयर्स पहले। अभी जा रहे हैं हम लोग पिलर देखने के लिए। खत्म हुआ इस वाले पकौड़े का।
क्योंकि ये सेल्फ सर्विस टूर था, इसीलिए इसमें हमको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, जितना टाइम यहाँ पर लगा दिया। इट्स सेम एज अदर पकौड़ाज, दी ओनली थिंग स्पेशल इज इट्स कनेक्शन विद इंडिया एंड इट कम्स टू इट बोथ कंट्री। सो अब यहाँ से अभी जाएंगे, क्योंकि यहाँ से और पकौड़ाज है यहाँ पे, पर आई डोंट थिंक सो इतने सारे देख चुके हैं। सो बेटर वी गो एंड हैव अ कॉफ़ी। सो वी गो टू द हाईलैंड्स कॉफ़ी ऑन द लेक साइड एंड हैव अ कॉफ़ी। ये है यहाँ का लोकल कॉफ़ी शॉप, हाईलैंड्स कॉफ़ी। ये फिलीपींस में भी अवेलेबल है ये वाली कॉफ़ी, बट दिस कंपनी बिलोंग्स टू वियतनाम। इट्स अ नाइस लोकेशन राइट ऑन द एज ऑफ अ लेक, इसको क्रूज का शेप दे रखा है। अच्छी जगह है, थोड़ा सा इतनी गर्मी में चलने के बाद थोड़ा रिलैक्स करने के लिए। हाँ, तो यहाँ पे अच्छा म्यूज़िक चला रखा है और यहाँ पे ये बहुत अच्छी कॉफ़ी मिल रही है, ज़्यादा महंगी भी नहीं लग रही देखने से, 60-70 हज़ार की अच्छी कॉफ़ी मिल जा रही है। हम लोग आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी रूम पे जाएंगे थोड़ी देर बाद। यहाँ से हम कॉफ़ी ख़त्म करके क्रूज जैसा बना रखा है, क्रूज जैसे हाईलैंड कॉफ़ी से निकल के रूम पे जा रहे हैं ताकि आज का व्लॉग खत्म कर सके। लेट्स फिनिश द व्लॉग फॉर टुडे एंड टुमारो वी आर गोइंग बैक टू मनीला। बाय बाय। वेलकम बैक। तो अभी हम लोग चेक इन लाइन पर है, तो ये हमारा लास्ट है वियतनाम में। विल बी फ्लाइंग बैक टू मनीला, बैक टू आवर होम बेस, और दिखाते रहेंगे कैसा है। अभी तक तो भीड़ नहीं है, हम लोग काफ़ी 3 घंटे पहले आ गए हैं। सो हेलो, गुड मॉर्निंग। अब टाइम आ गया है वियतनाम को बाय बाय करने का। अभी थोड़ी देर में हमारी फ्लाइट है मनीला की, और कुछ चीज़ें जो वियतनाम के बारे में बहुत अच्छी लगी वो ये है कि यहाँ पे जो वियतनामीज कॉफ़ी मिलती है, इट्स वेरी क्रीमी एंड हैज अ लिटिल स्ट्रॉन्ग फ्लेवर। एंड इफ यू आर आस्किंग फॉर वियतनामीज कॉफ़ी, यू विल ऑलवेज प्रोबेबली गेट कोल्ड कॉफ़ी, एंड इफ़ यू प्रेफर हॉट कॉफ़ी यू विल हैव टू आस्क फॉर एस्प्रेसो पर्टिकुलरली, बिकॉज अदरवाइज दिमाग में होगा गर्म चाहिए कॉफ़ी और मिल जाएगी ठंडी कॉफ़ी। और अगर इफ़ यू थिंक दैट इन अदर कंट्रीज स्मॉल कप ऑफ कॉफ़ी इज सफिशिएंट फॉर यू, प्रोबेबली हेयर इट इज़ नॉट, बिकॉज यहाँ का स्मॉल बहुत ही स्मॉल होता है। और अगर उसमें आइस डाल दें इन्होंने, बिकॉज द वेदर इज़ ऑल्सो सो हॉट, यू आर नॉट बी कन्विंस्ड विद वन कप। सो अगर ठंडा कॉफ़ी चाहिए गर्मी की वजह से, तो फिर लार्ज कप ही चले जाएँ। दूसरी यहाँ की सबसे अच्छी चीज़ है बानमी। बानमी का ब्रेड कच्चा तो अच्छा लगता है, लेकिन जब लोग उसको थोड़ा सा गर्म करके देते हैं टोस्टर में, उसके अंदर डिफरेंट टाइप की फिलिंग्स होती है, वेजिटेरियन भी है और चिकन भी है और अदर ऑफ अदर स्टफ इज देयर, दैट इज़ वेरी गुड। बानमी की अच्छी बात ये भी है कि हम उसे पैक करके पर्स में रख सकते हैं, सो वेर एवर विल गो वी कैन जस्ट फीड इट टू चिल्ड्रन, बिकॉज इट्स नॉट स्पाइसी, नॉट क्लम्जी, ओनली द ब्रेड इज़ नॉट क्लम्जी। अगर उसके अंदर स्टफिंग है तो फिर तो क्लम्जी हो ही जाता है, बट इट्स ईजी टू कैरी एंड ईजी टू ईट, एंड उसका कोई डाउट ही नहीं है कि उसको खाने से कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, एसिडिटी, गैस या उल्टी, इट्स वेरी गुड। अब फिर वियतनाम आए अगर बानमी नहीं खाया तो फिर तो ऐसा हो ही नहीं सकता, इट्स लाइक इम्पॉसिबल काइंड ऑफ थिंग। बानमी बहुत ज़रूरी है, वियतनामीज़ कॉफ़ी बहुत ज़रूरी है। लोग यहाँ के अच्छे हैं, जिनको इंग्लिश नहीं आती वो चुप रहते हैं, लेकिन जिनको आती है वो थोड़ा हेल्प करने की कोशिश करते हैं, स्पेशली व्हेन यू हैव चिल्ड्रन, दे गिव एन एक्स्ट्रा हैंड टू हेल्प। इमिग्रेशन के टाइम पे थोड़ा ऐसा लगता है कि इंडियंस को ज़्यादा चेक कर रहे हैं, शायद सभी को ज़्यादा चेक कर रहे हैं, गॉड नोस, बट दे टेक देयर ओन स्वीट टाइम टू चेक योर डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स
जब रेडी करें यहाँ के तो एक बार ठीक से सब कुछ पढ़ लें कि सारे वीज़ा वगैरह करेक्ट हैं कि नहीं, बिकॉज जब दूसरी भाषा में लिखा होता है तो हमें अपनी भाषा का या इंग्लिश में जो लिखा है वो दिखाई नहीं देता है, कैमोफ्लेज हो जाता है। तो जब अदर लैंग्वेजेस में लिखा होता है हमें लगता है हाय राम कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, मगर ऐसा नहीं है, ध्यान से देखो तो उसमें इंग्लिश में भी लिखा होता है और समझ में आ जाता है। सो रीड इट टू टाइम्स एंड मेक अदर पर्सन ऑफ योर फैमिली टू रीड इट एज वेल, बिकॉज समटाइम्स अदर आइज कैन कैच सम मिस्टेक। सो यहाँ पे जो लोग आते हैं उनकी बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती है, कंट्री ऑफ ऑरिजिन ठीक है कि नहीं, डेट ऑफ बर्थ एज इट इज एग्जैक्टली करेक्ट है कि नहीं, सो प्लीज़ वेरीफाई योर डॉक्यूमेंट्स बिफोर यू सेट आउट अ फुट फॉर अ कंट्री। इंडियंस के लिए तो काफ़ी सस्ता है यहाँ पर और वेजिटेरियन ऑप्शंस भी बहुत हैं, और फॉर्चुनेटली यहाँ पे वेजिटेरियन का मतलब समझते हैं। अदर कंट्रीज़ में वेजिटेरियन फूड जो हम चूज़ करते हैं दे ऑल्सो पुट फिश प्रॉन एंड अदर सी फूड इन दैट, बट नॉट हियर। हाँ, बस एक चीज़ की कमी है, यहाँ पे वेजिटेरियन फूड में प्रोटीन इंक्लूड है ही नहीं। आई डोंट नो कब लोग समझेंगे कि वेजिटेरियनिज्म में प्रोटीन की कमी हो जाती है, तो बच्चे को जो भी ऑप्शन है टोफू या स्प्राउट्स कुछ तो डालें, मगर यहाँ मुझे ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। तो वेजिटेरियंस को यहाँ पर प्रोटीन का शॉर्टेज हो जाएगा। एनीवेज कुछ ना कुछ तो कॉम्प्रोमाइज़ करने ही पड़ते हैं जब बाहर जाते हैं। और हाँ, एयरपोर्ट जल्दी आए, क्योंकि भले ही आपके होटल से पास में हो लेकिन देर आर सर्टेन थिंग्स दैट एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ और प्रोसेसेस माइट ईट अप ऑन योर टाइम। सो देर इज़ नो हार्म इन रीचिंग एंड गेटिंग योर वर्क डन ईजली क्विकली एंड देन रिलैक्सिंग हियर वाइल वेटिंग फॉर योर बोर्डिंग टाइम। ओके देन, वील रीच मनीला एंड टॉक टू यू देन लेटर। बाय।